नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और यहां पर 300 के 300 ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आने वाली यूपीटेट एग्जाम के लिए। यहां पर दोस्तों आप आपका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। यहां पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न जाएंगे तो उसको आप किस तरह हल कर पाएंगे, उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। वहां पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि किसी भी टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है। तो यहां पर हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। यहां पर पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? मूसला जड़, झकड़ा जड़, अवस्तंभ जड़ या फिर श्वसन जड़। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें अवस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती है। आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, उसमें जो जड़ें निकली होती है शाखाओं में से, उसे ही अवस्तंभ जड़ कहते हैं, और ये जड़ें वृक्ष को सहारा प्रदान करती है, अवस्तंभ जड़। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चार विकल्प दिख रहे दोस्तों, इसमें से वो कौन सा विकल्प है जो चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पानी नहीं, गह्वर और ऊंचे पहाड़। यहाँ पर चांद की सतह है दोस्तों, यहाँ पर पानी नहीं पाया जाता है, यहाँ पर गह्वर और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? चार विकल्प आपके सामने दिख रहे दोस्तों, इसमें से एक युग्म ऐसा है जो सुमिलित नहीं है, उसे ही आपको पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खेर। खेर से राल या फिर रजन प्राप्त नहीं होता है, खेर से प्राप्त होता है कत्था। याद रखिएगा, खेर से कत्था प्राप्त होता है, ना कि राल या फिर रजन। यहाँ पर जेठरोबा से बायोडीजल, बबुल से गोंद, चीड़ से लीसा तथा खेर से कत्था प्राप्त किया जाता है, खेर से राल या फिर रजन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा में सुमिलित नहीं है, तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, और इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। याद रखिएगा, इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और इस उद्यान में अनेक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बेंथोस कहते हैं, नेक्टन कहते हैं, नेरेटिक कहते हैं या फिर बायोमास कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं। याद रखिएगा, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं, जबकि जल की सबसे निचली सतह जो कि कीचड़ होती है, इसमें रहने वाले जीवों को बेंथोस कहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, अप्रकाश प्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं, और जल की सबसे निचली सतह जो कि कीचड़ होती है, इसमें रहने वाले जीवों को बेंथोस कहते हैं। तो दोनों प्रकार के यदि प्रश्न आ जाएंगे तो आप गलत ना करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां हमारा अगला प्रश्न है, जब दो समुदायों को विभाजित करने वाले एकोटोन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती तो उसे क्या कहते हैं? एज प्रभाव कहते हैं, निकेत कहते हैं, यूट्रोफिक कहते हैं या फिर पारिस्थितिकी चरम कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जब दो समुदायों को विभाजित करने वाले एकोटोन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती है तो उसे एज प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? एज प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, और मैंने कल जो 100 प्रश्न डाले थे पर्यावरण अध्ययन में, वहाँ भी यह प्रश्न आया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये चारों के चारों दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर मैं आपको
सामने दोहरा देता हूँ, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर दिवस के बारे में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं UPTET एग्जाम में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, अरब सागर, सार्गेसो सागर, लाल सागर या फिर चेन सागर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर को महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, यहाँ अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसम नामक पौधों की अधिकता के कारण इसे सार्गेसो सागर कहते हैं। देखिए तीन तरह के प्रश्न यहाँ पर बने हैं, यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे सार्गेसो सागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सार्गेसम नामक पौधों की अधिकता के कारण इसे सार्गेसो सागर कहते हैं। तो इन बातों का ध्यान भी आपको रखना है, यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर देहरादून में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पर है ये, बरेली में है। बरेली में कहाँ है ये, इज्जत नगर में स्थित है बरेली के। यहाँ पक्षियों के विकास एवं वृद्धि संबंधी शोध एवं अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं, किसमें, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान में। याद रखिएगा यहाँ बरेली में स्थित है और बरेली में कहाँ स्थित है, इज्जत नगर में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी को पता है क्या प्रभाव पड़ेगा, एक ही तरह की फसल बार बार उगाए जाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, इससे मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा, मृदा बंजर हो जाती है। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः किसमें व्यक्त किया जाता है, अंश प्रति मिलियन में, अंश प्रति बिलियन में, अंश प्रति ट्रिलियन में या फिर किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः अंश प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है, अंश प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या है। चार विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं, यहाँ कारण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है, मध्य सिरा के नाम से जाना जाता है, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जालिका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, जानवरों को दर्द निवारक देना, जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण या फिर जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो जानवरों को दर्द निवारक देना है। क्या होता है, पशुओं को दर्द निवारक के रूप में डाइक्लोफेन औषधि दी जाती है और जब पशु मर जाते हैं तो उनके मांस को खाने की वजह से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए गिद्धों की संख्या कम हो रही है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है, अमेरिका में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर भारत में। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हवा में लटके तरल या ठोस कणों को क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है, माइक्रोसोल कहा जाता है, एसीटिल कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वायुमंडल में हवा में लटके तरल या ठोस कणों को एरोसोल कहा जाता है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहाँ कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, एरोसोल, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
आप किसी चुनाव में वोट तभी दे सकते हैं जब आपकी आयु कम से कम कितनी हो। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि 18 वर्ष होनी चाहिए किसी चुनाव में वोट डालने की जो उम्र होती है वो 18 होनी चाहिए कम से कम। ये जो पहले उम्र थी दोस्तों ये 21 वर्ष थी, पर ये 61वें संविधान संशोधन में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यदि आपसे पूछे कि 18 वर्ष से पहले कितने वर्ष की आयु मानी जाती थी किसी चुनाव में वोट डालने की, तो वो थी 21 वर्ष। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए है, खनिजों के उत्पादन के लिए है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए है, या फिर नर्मदा नदी के उद्गम के लिए है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों आपको, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तीन विकल्प ऐसे दोस्तों जो सही है और एक विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे ही आपको पहचानना है। तो सबसे पहले हम कंचनजंगा की ओर चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, बिल्कुल सही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। सिमलीपात की बात करें, सिमलीपात ओडिशा में स्थित है, बिल्कुल सही है। पिनवेली की बात करें तो पिनवेली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पीली भित्ति उत्तराखंड में स्थित नहीं है, पीली भित्ति टाइगर रिजर्व एवं अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में। तो यहां पर जो सही सुमिलित नहीं है ये फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया था कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो पीली भित्ति उत्तराखंड में स्थित नहीं है, पीली भित्ति उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां पर आपको चार प्रकार के प्रश्न याद हो गए, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सिमलीपात ओडिशा में स्थित है, पिनवेली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और पीली भित्ति उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है ये 8,848 मीटर है, और यहाँ जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है। यदि प्रश्न आ जाए कि विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। और इसके विषय में जो सही कथन है, यहाँ नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य, यहाँ पर आपको मूल उद्देश्य बताना है वन अधिकार अधिनियम 2006 का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, ये वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? चेपरेल, फजेंडा, मैकविस, या फिर सेलवास? तो यहाँ पर विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेलवास के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्राज़ील में कहवा के बगानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कहवा के बगानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, विषुवतीय वनों को ब्राज़ील में सेलवास के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में कहवा के बगानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, या फिर भारत एवं म्यांमार? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, और यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान राम ने निर्मित करवाया था आदम का पुल। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा, ये भारत एवं श्रीलंका दो देशों के मध्य स्थित है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्षा, जलचक्र, वाष्पोत्सर्जन, या फिर सघनन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जलचक्र कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
बच्चों के द्वारा सब्जी एवं फल बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा, इनमें से आपको पहचानना है कि किनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा, इनमें बीज होते हैं, बाकी में बीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, दो विकल्प ये रहे और दो विकल्प ये रहे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं इसका फटाफट इसका आंसर दे देता हूँ, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है, वहां कौन सी विधि है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या फिर साक्षात्कार? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वहाँ विधि जाँच सूची है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न रिक्तिस्तान का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? इस प्रकार का प्रश्न निम्न स्तरीय अभिसारी का, निम्न स्तरीय अपसारी का, उच्च स्तरीय अभिसारी का या फिर उच्च स्तरीय अपसारी का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण, यहां पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है या फिर गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कि चार विकल्पों में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है, यहाँ विशेषता अधिगम के मूल्यांकन की नहीं है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। साथ ही साथ हमारे ऐप टेट सक्सेस को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।